एक्सेल में एक फॉर्मूला है जो टुडे का है, तो टुडे और नाउ में कई बार कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। देखिए यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, अब ये डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। यहाँ पे टुडे में और नाउ में क्या कंफ्यूजन रहती है उसको देखिए। यहाँ पर अगर मैं टुडे का फॉर्मूला लगाता हूँ तो इज इक्वल टू टुडे लिखा, टुडे माने होता है आज, तो आज कौन सा दिन है, महीना है, सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 तारीख है, 2023 अगस्त चल रहा है, तो अगर मैं एंटर करूं तो यही डेट हमें मिलेगी, सिर्फ डेट मिलेगी। तो यहां पर अगर मैं एंटर कर रहा हूं, इसको हटाता हूं और यहां पर मैं एंटर करता हूं, तो वही डेट हमें मिल रही है जो आज की डेट है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप नाउ के साथ यूज करेंगे तो आ गया 4:34 और अभी करंट टाइम क्या हो रहा है, 4:35 34:35 यही हो रहा है। जिस टुडे पे करें तो टुडे में क्या होगा, टुडे में ये देखिए ये हो गया टुडे और यहाँ इस तरीके से एंटर किया तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं ना आ रहा है, टाइम टाइम गायब है, लेकिन यही चीज नाउ किया था हमने तो टाइम भी आ रहा था, तो ये नाउ हो गया, करने से ये टाइम आ जाएगा आपका, तो टाइम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यही चीज टुडे करने पर टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट रख लेते हैं, शॉर्ट डेट कर देते हैं और यहाँ पर अब हम टुडे लगा देते हैं, TODAY। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये आ गया है और इसको हम डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे फिर से। तो ये देखिए ये कंट्रोल के साथ और सेमी कॉलन प्रेस करना, ये सेमी कॉलन दिख रहा है, कॉलन सेमी कॉलन, तो ये कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करने से करंट डेट आ जाएगी, आ गई डेट। अरे भाई आज 16 तारीख है, 8वां महीना है, 2023 से आ रहा है ना, कंट्रोल और सेमी कॉलन। ठीक है, समझ में आ रहा है।